कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चों। तो मैं आपको जरा फिर से समझा देती हूँ। हमने अभी यहाँ पे समझ रहे हैं सेकंड लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में हम ये समझ रहे हैं कि जो कंपनी चलती है उसे किस चीज़ की ज़रूरत होती है, पैसे की। किसकी बोली मैंने? पैसे की ज़रूरत होती है, और बिना पैसे के कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता। तो पैसे इकट्ठे करने के दो रास्ते हैं, वन इज़ अ ऑनर्स फंड एंड सेकेंड वन इज़ अ बोरोड फंड। व्हाट आई मीन बाय द ऑनर्स फंड, सिंपल भाषा में समझाती हूँ। ऑनर्स फंड किसे बोलते हैं? ऑनर्स फंड को बोलते हैं घराती, और बोरोड फंड को क्या बोलते हैं? बराती। ओके एंड अब ऐसा कोई बच्चा जिसको घराती का मतलब ना बताओ, वहां पे साउथ के बच्चों को घराती का मतलब नहीं पता। घराती को बोलते हैं कि फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स ऑफ ब्राइड। एंड बराती होता है फैमिली मेंबर्स, क्लोज रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स ऑफ ग्रूम, इज नॉन एज बोलो क्या? बाराती। क्या बात है, देखो आप लॉ के साथ साथ हिंदी भी सीख रहे हो। तो इट मींस फंड जो है हम दो तरीके से इकट्ठे करते हैं, एक घर वालों से और दूसरा, एक बार और बता दो, घर वालों से और दूसरा बाहर वालों से। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ, आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन विद यू। जब भी कभी कोई फंक्शन होता है तो उस फंक्शन में पहले घर वाले कहते जी हम बैठ के खाना खाएंगे, बारात को बाद में देख लेंगे, छोड़ो इन्हें। पहले किससे खाना खिलाया जाता है? बारातियों को। उसके बाद आपने कभी ऐसा देखा कि जो बाराती है वो खाना खाने के बाद पोलोथिन साथ लेके आए कि जी दो दो किलो रसगुल्ले भी दे दो घर के लिए? क्या ऐसा कभी देखा? नहीं देखा। इट मींस उनसे क्या बोला जाता है, पहली प्रायोरिटी आपकी है, आप बैठिए, आप खाना खाइए और खाना खा के अपने घर चले जाइए, टाटा बाय बाय सी यू, कि फिर कब मिलेंगे? कि कभी नहीं, खाली दूल्हा आएगा, इसके अलावा और कोई नहीं। अब मुद्दा ये उठता है, वी आर कंसर्निंग अबाउट द घराती। घरातियों की दो स्थितियां रहती हैं भाई और बहनों हिंदुस्तान के अंदर। अगर फंक्शन उन्होंने खुद से ऑर्गेनाइज किया है तो शायद आपको इस बात का भी नहीं, बच्चों को पता होगा कि फंक्शन, एक तो इवेंट प्लानर्स होते हैं, कम्युनिटी हॉल्स होते हैं, होटल्स होते हैं, और एक होते हैं सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, अपना हलवाई, अपना सब कुछ। तो अगर सब कुछ अपना है तो उसमें दो स्थिति बनती है, आपने खाना बनवाया 1000 लोगों का, खाना खाने वाले आए 2000 लोग, खत्म खत्म, पूरे तरीके से खत्म। अब घर वालों को भी खाना नहीं मिला, क्लियर होगी बात। एक तरीका ये होता है, आपने टोटल खाना बनवाया 2000 लोगों का और खाने वाले आए 1500, कितने का बचा? 500 का बचा। इट मींस घराती भाई सब ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि वो भरपेट खाना खाएं, खाते ही रहे, और ऐसा भी हो सकता है उन्हें कुछ भी ना मिले। उनके सामने रसगुल्ले होते हैं, उनके सामने मिठाई होती है, परंतु उसके बावजूद भी वो नहीं खाते, क्योंकि उनके पास पेशेंस है। क्या बोला मैंने? कम टू द कॉन्सेप्ट, इफ यू आर कंसर्निंग अबाउट द ऑनर्स फंड, ऑनर्स फंड मींस शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स कंपनी को पैसा देते हैं, वो कहते हैं ये पकड़ पैसा कंपनी, ये पकड़, तू इससे बिजनेस कर, और बिजनेस करने के बाद, खर्चे काटने के बाद, सबको सब कुछ पे करने के बाद, अगर कुछ बचे तो मुझे दे देना और नहीं बचे तो मुझे मत देना। इट मीन्स हम बोल सकते हैं ऑनर्स फंड को शेयर होल्डर्स, और मैंने तो उनका एक अलग ही नाम दिया, पेशेंस होल्डर्स। क्या उनके पास पेशेंस होते हैं कि नहीं होते हैं? क्या वो सब्र लिए बैठे नहीं बैठे? और आपने सुना होगा सब्र का फल मीठा होता है। तो आप सुनिए जरा ध्यान से, If you are concerning about the borrowed fund, in case of borrowed fund, debenture holders, are you hear the word debenture holders? In case of borrowed fund, loan from bank or financial institutions, borrowings from public as a public deposit, ये शायद आपने नहीं सुना होगा, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, पढ़ाई करी है 11वीं और 12वीं में, तो थोड़ा थोड़ा पता होगा। अगर हम borrowed fund की बात करें तो borrowed fund में एक नियम लागू होता है कि आप जब तक उनका पैसा इस्तेमाल करोगे भाई और बहनों, तब तक तुम्हें उसके ऊपर ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और जब तक आप उसे यूज करोगे बिजनेस में तो इंटरेस्ट दोगे, और एक टाइम के बाद आपको उसका पैसा वापस करना पड़ेगा, जिसको आपने सुना होगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। मैम जी आप बीती क्या बताएं, क्लास 12th में यही तो पढ़ा है बस, और पढ़ाई क्या है? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का मतलब होता है एंटायर पैसे को वापस करना। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबडी? सो यहां पे एक बात तो साफ होती है,
अगर हम बात करें डिबेंचर होल्डर्स की, तो डिबेंचर होल्डर्स कंपनी से पूछ रहे हैं, कंपनी की, हाँ कि तुम्हें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। कंपनी पता क्या बोलेगी, ए कि हाँ तुझे आम खाने से मतलब है, गुठलियां गिरने से, कि मुझे तो आम खाने, चुप बैठ, तेरे को तेरा इंटरेस्ट मिलेगा ना, चाहे हमको प्रॉफिट हो या प्रॉफिट ना हो, परंतु हम तुम्हारा इंटरेस्ट पे करेंगे ही करेंगे। और इंटरेस्ट जो है सबसे पहले पे किया जाता है, जो टोटल प्रॉफिट होता है, जिससे अगर शायद आपने एक शब्द सुना हो, EBIT, क्या बोला मैंने, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो EBI, पहले है, टी पहले आया, आई मीन्स इंटरेस्ट। तो पहले क्या पे किया जाएगा भाई और बहनों, इंटरेस्ट, और उसके बाद जाता है टैक्स। ओके, अब ये सारा देने के बाद, तो इट मीन्स यहाँ पे एक बात साफ हो जाती है कि डिबेंचर होल्डर्स को ये बोला जाता है, हे डिबेंचर होल्डर, तुझे आम खाने से मतलब है, गुटलियां गिरने से मतलब नहीं है। इट मीन्स डिबेंचर होल्डर्स हैविंग नो राइट टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ कंपनी। आर यू गॉट द पॉइंट, मैंने क्या बोला, डिबेंचर होल्डर्स हैविंग नो वोटिंग राइट, डिबेंचर होल्डर्स हैविंग नो राइट टू पार्टिसिपेट इन टू द अफेयर्स ऑफ कंपनी। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि उनका फिक्स इंटरेस्ट है और वो उनको टाइमली मिलेगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर उनका इंटरेस्ट टाइमली उनको ना मिले तो फिर वो कंपनी पे हमला कर देंगे और बोलेंगे भैया मेरे राइट अफेक्ट हो गए, तो अब तो मुझे जानना पड़ेगा कि कंपनी में चल क्या रहा है, यस और नो। अब मुझे एक बात बताओ, शायद आपने शब्द सुना होगा, क्या आपने डिबेंचर ट्रस्टी का नाम सुना है, डिबेंचर ट्रस्टी, ट्रस्ट डीड, अगर 12th की TS ग्रेवाल की थ्योरी पढ़ी हो तो, कहीं गलती से पढ़ लिया हो तो, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं बच्चों, आप मुझे बताओ, डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी के अंदर घुसाया नहीं जाता और पैसा उनसे पूरा ले लिया जाता है, तो इसका मतलब उनकी मणि की रक्षा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, जो उन्होंने कंपनी को दी, वो अफेयर्स में तो इंटरफेयर कर ही नहीं सकते, उनका पैसा लिया और गलत जगह लगा दिया, बेचारों को कैसे पता चलेगा, और बाद में कह दिया जी कंपनी तो बैंकरप्ट हो गई, पैसा है ही नहीं, कंगाल खत्म। तो ऐसी स्थिति में डिबेंचर होल्डर्स जिस प्रकार से नाग अपनी मणि की रक्षा करता है, नाग किसकी रक्षा करता है, मणि की रक्षा करता है ना, इसी प्रकार डिबेंचर होल्डर्स की मनी की रक्षा करने के लिए अपॉइंट किया जाता है डिबेंचर ट्रस्टी। क्या बोला मैंने, डिबेंचर ट्रस्टी, व्हाट आई मीन बाय द डिबेंचर ट्रस्टी, डिबेंचर ट्रस्टी कंपनी के अंदर होता है और जितने भी डिबेंचर होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को क्या करता है भाई और बहनों, प्रोटेक्ट करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, डिबेंचर ट्रस्टी। कंपनी का और डिबेंचर होल्डर्स के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है और कहते हैं हम तुम्हारे पैसे के कर्जदार हैं, एविडेंसिंग अ डेट, और एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। अब उसमें बड़े बड़े वादे होते हैं, हम आपको इंटरेस्ट पे करेंगे, हम आपका रीपेमेंट करेंगे, ये सारी बातें एक एग्रीमेंट में होती है। तो उसी के तहत एक अपॉइंट किया जाता है पर्सन को, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिबेंचर, क्या बोले जरा बताना, डिबेंचर, डिबेंचर ट्रस्ट इज जस्ट लाइक अ नाग, जैसे कि नाग एक मणि की रक्षा करता है, इसी प्रकार से डिबेंचर ट्रस्टी भी डिबेंचर होल्डर्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है, ध्यान रखता है, और अगर उसे लगता है कि कंपनी में गड़बड़ घोटाला चल रहा है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में कह देता है डिबेंचर होल्डर्स आ जाओ हमला कर दो कंपनी पे, कि क्यों, कि भैया तुम्हारे पैसे तुम्हें नहीं मिलने वाले, कि क्यों, क्योंकि कंपनी ने कर्जा तो बहुत ज्यादा कर लिया है और उसके पास एसेट्स क्या हो गई है, कम। तो अब यहाँ पे जो डिबेंचर होल्डर्स आते हैं और वो कोर्ट जाते हैं, वो कहते हैं खामोश, अगर एक रुपए का भी लोन तुमने अब लिया तो, क्यों, क्योंकि जो तुमने ले रखा है पहले उसे पे करो। आर यू गॉट द पॉइंट, कुछ कुछ बातें समझ में आई, बहुत इंटरेस्टिंग है पढ़ाई अगर सही तरीके से पढ़ी जाए तो। अब हमने कहा बेचारे ये बैठे हैं पेशेंस होल्डर, कौन कौन बैठे पेशेंस होल्डर, जल्दी बताओ, जितना ज्यादा रटोगे उतना ज्यादा भूलोगे, ये एक बड़ी पढ़ाई है, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना है, चीजों का बेस क्लियर करना है, चीजों को बिल्कुल रटना नहीं, बहुत अच्छे से समझना है, अपनी भाषा में लिखना है। अगर अपना नॉलेज बढ़ाओगे, अपना बेस बढ़ाओगे, अपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे करोगे, पेपर आसान लगेगा, कॉन्सेप्ट ईजी लगेगा, पेपर में लिख पाओगे, अपनी ही लैंग्वेज में लिखना है। आप ये सोच रहे हो बहुत मुश्किल तब लगता है जब हम कॉन्सेप्ट को बिना समझे रटने की कोशिश करते हैं, तो हमें कभी भी वो कॉन्सेप्ट याद नहीं होता, पहले कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर पढ़ना है, फिर रिवाइज करना है, फिर लर्न हो जाता है।
लर्न तब तक नहीं होगा जब तक समझ में ही नहीं आएगा। समझ में आई मेरी बात? तो भैया अब तो तुम फंस ही चुके हो, जैसे कि मैंने बताया कि जीने की तमन्ना और मरने का इरादा है। तो जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, और एक वादा है। वो वादा क्या है कि अब तो CS बनना ही पड़ेगा, बनना ही पड़ेगा तुम्हारे पास। देर इज नो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, देर इज नो चॉइस, इट्स अ क्रूशल टाइम, प्रूव योर सेल्फ। यस आई एम। प्रूव कर दीजिए भाई साहब कि हम हैं, दुनिया को बता दीजिए हम अपने झंडे गाड़ने वाले हैं CS करके। अच्छा जी, जी हाँ। तो आइए जल्दी से ऑनर्स फंड की ओर। हमने कहा ऑनर्स फंड में कौन कवर होते, जल्दी जल्दी बताओ। ये लाइव वाले बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या हाल चाल है लाइव वाले बच्चों? यस लाइव स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों? मैम जी वही हड्डी वही खाल है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब देखिए हमने क्या बोला, जरा बताना, कम ऑन रिप्लाई, क्या बोला? कि उन्हें बोलते हैं हम शेयर होल्डर्स। अच्छा ये बताइए, क्या जो हमारे ऑनर्स फंड है, स्क्रीन पे भी बता देती हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। स्क्रीन पे लिखा हुआ है भैया जी ऑनर्स फंड हिस्सेदार, क्या बोलते हैं इन्हें, हिस्सेदार। अच्छा ये बताइए, क्या शेयर होल्डर्स के पास राइट होना चाहिए टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ कंपनी? यस ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि उनको तो रिस्क है भाई। प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड मिलेगा, और प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो जानना चाहते हैं कि कंपनी तूने क्या कमाया, क्या बचाया और क्या गवाया। यहां से धीरे धीरे मैं आपको लेके चलूंगी। जो भी बच्चा क्लास देख रहा है, कसम खा लेना अपनी पूरी क्लास देखना, बीच में छोड़ना मत, क्योंकि क्लास कंप्लीट करने के बाद आपका जो बेस स्ट्रांग होगा उसके लिए आप खुद ही बोलोगे वाह 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 वाह। चलिए अब सुनिए, इधर आइए। हमने कहा क्या शेयर होल्डर्स के पास राइट होता है पार्टिसिपेट करने का? क्यों? क्योंकि उनको प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। व्हाट डू यू मीन बाय डिविडेंड? व्हाट डू यू मीन बाय डिविडेंड? कॉमर्स वाले बच्चे हो या साइंस का भी है कोई? ऑल आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, आर यू हियर द वर्ड डिविडेंड क्या होता है? हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय द डिविडेंड, प्लीज बताइए। What do you mean by dividend? Live में आप बता दीजिए, What do you mean by the dividend? Dividend किसे बोलते हैं? Dividend क्या होता है? हाँ जी भाई और बहनों, What do you mean by dividend? The profit of a company is distributed into parts. The profit of a company is divided into parts. The profit of a company is distributed among the shareholders is known as dividend. Company का profit जब बांट दिया जाता है shareholders के बीच में तो उसी को ही बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा आइए जी, बोरोड फंड फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, नॉट अवेलेबल, इनके पास पार्टिसिपेटिंग राइट्स नहीं होते जब तक कि इनके राइट अफेक्ट ना हो। डिबेंचर्स का क्या होता है? डिबेंचर्स का क्या होता है? रिडम्पशन। डिबेंचर्स का क्या होता है? रिडम्पशन। डिपॉजिट पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट। बैंक लोन का क्या होता है? रीपेमेंट। और इनमें कॉमन ये है कि इन सब के ऊपर क्या होता है बच्चों? फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है। क्या बोला मैंने? फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है। क्लियर? अब यहाँ पे एक एग्जांपल ड्राफ्ट करते हैं। सपोज करिए आई एम फुल टाइम इंडल्स इन अ टीचिंग प्रोफेशन, कंप्लीटली डेडिकेटेड टू यू, 24 घंटे मेरे पास बस एक ही काम है, आपको पढ़ाना या पढ़ना। आज मेरे दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना हम थोड़े से पैसे, थोड़े से बोला मैंने, क्यों ना हम थोड़े से पैसे किसी अदर बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं पैसिव इनकम के लिए। अब मेरे मन में आया कि हमें एक जूतों की कंपनी बनानी है। अब जूतों की कंपनी बनाने के लिए फुल टाइम मुझे इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तो पढ़ाएगा कौन? बच्चों को पढ़ाना भी ज़रूरी है। तो ऐसी स्थिति में मैंने प्लान किया, एक काम करते हैं कि क्या, कि एक काम करते हैं भैया जी कि क्या, कि हम जो है किसी कंपनी को, जो कंपनी ऑलरेडी पिक्चर में है, जो कंपनी ऑलरेडी पिक्चर में है उसी कंपनी में क्या कर देते हैं? इन्वेस्ट कर देते हैं, है ना। अब मैंने कहा जी ये लो पैसे पकड़ो और इससे तुम बिजनेस करो, और अगर बचे तो, अगर पैसा बचे तो आप मुझे देना, और नहीं बचे तो बिजनेस को आगे बढ़ाना। मैंने उसमें हिस्सेदारी ले ली। अब मुझे बताइए क्या मुझे समय समय पे उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल अफेयर्स के बारे में पता होना चाहिए? कंपनी क्या कमा रही है, क्या बचा रही है और क्या गवा रही है? चलिए यहां तक हमारी बात क्लियर हुई। अब सुनो जरा, अब ये जो कंपनी है, अब यहां से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलेंगे और इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि आपको किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं।
हमने कहा कंपनी जो है, कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हो कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। और कंपनी जो डिफाइन की गई है कंपनीज एक्ट के अंदर, वो सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर डिफाइन की गई है। कहाँ डिफाइन करी जरा बताना, सेक्शन 2 क्लॉज 20। अब जब हम सेक्शन 2 की बात करते हैं तो ऑल डेफिनेशंस आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 2। जितनी भी तमाम डेफिनेशंस हैं वो सारी डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 के अंदर डिफाइन की गई है। अब जब हम इसके थोड़े से आगे बढ़ते हैं 20 की ओर चलते हैं, तो 20 जो है उसे हमने याद करने का बड़ा अच्छा तरीका निकाला कि कोई भी व्यक्ति कंपनी क्यों बनाता है, जीरो टू हीरो बनने के लिए, तो 20, क्या बोला मैंने, 20, तो सेक्शन 2 क्लॉज क्या हो गया जरा बताओ, 20। बहुत अच्छे। अब हमने कहा जी कंपनी कैसा पर्सन है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कैसा पर्सन है कंपनी, आर्टिफिशियल पर्सन है। अब कंपनी को चलाने के लिए हमें कैसे पर्सन की जरूरत पड़ेगी जरा बताना, अगर हमें कंपनी को आगे बढ़ाना है, अगर हमें कंपनी को चलाना है तो हमें कैसे पर्सन की जरूरत है, ऑब्वियस सी बात है नेचुरल पर्सन, क्योंकि कंपनी को चलाने के लिए आर्टिफिशियल पर्सन को तो अपॉइंट नहीं कर सकते, है ना, आर्टिफिशियल पर्सन को तो अपॉइंट नहीं कर सकते। ओके, अब देखो जरा इधर, अब मुद्दा यहाँ पे ये उठता है, तो भैया किसकी जरूरत पड़ेगी बताइए जल्दी से, किसकी जरूरत पड़ेगी, नेचुरल पर्सन की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो जब नेचुरल पर्सन की हम बात करते हैं तो ये नेचुरल पर्सन ऐसे होने चाहिए जिनके पास ब्रेन है, अगर उनके पास ब्रेन नहीं है तो वो कंपनी के लिए अपॉइंट नहीं हो सकते। तो ब्रेन किसके पास होता है, नेचुरल पर्सन के पास। क्या किसी डॉग के पास होता है दिमाग, ये बुद्धि जो है, दिमाग जो दिया सिर्फ इंसान के पास दिया है, और किसी के पास दिमाग नहीं है, ये बात फैक्ट है। दिमाग सिर्फ किसके पास होता है, इंसान के पास दिमाग होता है। और कई बार बहुत सारे लोग कहते हैं यार हम निकमा रहे पैसे, कि क्यों, अरे क्या करेंगे कमा के, ज़्यादा पैसे कमा के क्या करेंगे, मरना तो है ही। हम कहते हैं भाई साहब सुनिए कि क्या, कि कभी भी कोई चीज़ खराब नहीं जाती। आज मैंने इतनी पढ़ाई करी, थोड़ी बहुत तो करी है आपके हिसाब से, और आप भी पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या ये खराब जाएगी, अगर हम मर जाएंगे तो हमारी पढ़ाई तो खराब हो जाएगी। भैया सुनिए, अगले जन्म में बुद्धिमान पैदा होंगे, जिस टाइम पैदा होंगे तो दिमाग तेज होगा, क्योंकि कभी भी कोई चीज़ व्यर्थ नहीं जाती। और अगर हम बहुत सारा पैसा कमा के इस दुनिया से चले गए, जैसा कि सभी को ही जाना है, तो अगले जन्म में अंबानी के घर में पैदा होंगे, क्योंकि भगवान जो है किसी चीज़ को खराब नहीं जाने देता। अगर हम यहाँ का हिसाब यहीं फाइनल करके जाएंगे, जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों की अप्रोच होती है, सोच होती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी सेल कर देते हैं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मतलब जो हमें गिफ्ट में मिली है, जो हमारे दादाजी ने दी है, जो हमारे पिताजी ने दी है, कुछ लोग उसी पे नियत रख लेते हैं, कहते हैं जो हमारी 1 करोड़ की जमीन है, ओ भैया तेरी नहीं है, वो तेरी जिम्मेदारी है और तुझे आगे बच्चों को देनी है वो। लेकिन बहुत सारे लोग उसे बीच में ख़त्म कर देते हैं। ये मेरी बात ध्यान रखना, हमारी भी है लेकिन क्या है, वो हमारी अपनी नहीं है, हमें भी आगे ट्रांसफ़र करनी है, इसीलिए हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में एड ऑन करके आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि उसे डिडक्ट करना चाहिए। जिसकी ऐसी सोच, जिसकी ऐसी अप्रोच होती है, वो ज़िंदगी में बहुत तरक्की करता है, क्योंकि वो अपने ऊपर विश्वास रख रहा है। जब हम ये सोच लेते हैं ना, बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स बहुत रिच होते हैं, तो वो बच्चे सोच लेते हैं यार पैसा कमा के क्या करेंगे, बहुत पैसा है पिताजी के पास। भाई साहब आपको पैसे कमाने के तरीका सीखना है, खर्च तो कोई भी कर सकता है, पैसे से पैसा कमाना आना चाहिए और उसके लिए हार्डवर्क ज़रूर लगता है। तो इसीलिए आप हमेशा ये ध्यान रखना, जो बच्चे हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे मैं हार्डवर्क कर रही हूँ, चाहे आप हार्डवर्क कर रहे हो, चाहे मैंने पढ़ाई करी, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, ये पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस जन्म में तो इसका मजा मिलेगा ही मिलेगा, अगले जन्म में भी मिलेगा, ये बात फैक्ट है। अगले जन्म में जब हम पैदा होंगे तो ब्रिलियंट पैदा होंगे, अगर इंसान का जन्म मिला। और उसी के साथ जो पैसा है वो पैसा भी खराब नहीं जाएगा, जो पैसा हम जोड़ के जाएंगे अगले जन्म में उतने ही। देखा नहीं आपने, कुछ लोग ऐसे होते जो बहुत अमीर घर में पैदा होते हैं, कुछ लोग ऐसे जो बहुत गरीब घर में पैदा होते हैं, तो वो उनके पुराने कर्म ही तो होते हैं। कर्मा कभी नहीं जाता, कर्मा साथ साथ चलता है। इसीलिए हमें जो है सत्य की राह पे चलना चाहिए, हमें हमेशा जो है सही रास्ते पे चलना चाहिए, उससे हमें आंतरिक संतुष्टि मिलती है, इंटरनल सेटिस्फैक्शन। और इस दुनिया में सबसे ज़्यादा वही खुश है जो अपने आप से खुश है, ये सोचो। और हम अपने आप से खुश कैसे हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, हम आनंद में कैसे रह सकते हैं। आनंद का मतलब समझते हो, किसी को आनंद ना आए तो 500 रुपये खर्च करके पिक्चर में आनंद ना आए,
वो कहीं लंदन पेरिस घूमने जाए, उसे वहां मजा ना आए, और किसी को मजा आए तो क्लास में पढ़ाते हुए मजा आ जाए। तो मजे लेने का वही इंसान एंजॉय कर सकता है जो अपने आप से खुश हो। और खुश कौन हो सकता है? खुश वो हो सकता है जिसकी एक्सपेक्टेशन इज जीरो एंड हार्डवर्क इज जीरो। जो हार्डवर्क में बहुत बिलीव करता है, और एक्सपेक्टेशन क्या रहती है? जो मिलेगा भगवान की इच्छा है, प्रभु की इच्छा है, एक्सेप्ट इट एंड गो अहेड। आर यू गॉट द पॉइंट? तो बहुत सारे बच्चे भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, पेरेंट्स डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये सोचते हैं यार मेरा बच्चा जो है ये बनना चाहिए, वो बनना चाहिए। भाई बनना या बनना इज डेस्टिनी इज डिसाइडेड बाय गॉड। आपके हाथ में बस एक ही चीज है और वो है कर्म, और वो है हार्डवर्क। जुट जाइए, जंग की तरह लड़िए, इस कोर्स से मोहब्बत करिए, इससे प्यार करिए, इसके प्रति पैशनेट हो जाइए, इससे अपने सपने जोड़िए। आज मैं आपके साथ, मैं सीएस बन के आपको पढ़ा रही हूँ। मैंने भी कभी सपना देखा होगा मैं सीएस बनूंगी, मेरा एक बंगला होगा, मेरी एक गाड़ी होगी, मेरा एक सेटअप होगा, मेरी एक ऑफिस होगी, मेरी ऐसी जिंदगी होगी, तभी तो मैंने पढ़ाई करी होगी। आप भी अपने कोर्स को अपने सपनों के साथ जोड़िए, सपना जुटाइए, बड़ा सपना देखिए कि अगर मैं आज यहाँ क्यों। भाई बिना काम के कोई नहीं पढ़ता, आपको समझाना जरूरी है कि आप क्यों पढ़ रहे हो। आपको अपने कोर्स के साथ सपना जोड़ना होगा। आप आज इसलिए मेहनत कर रहे हो कि 4 साल बाद जब आप सीएस बनोगे, आपका अपना एक प्रेमाइसिस होगा, आपकी अपनी प्रैक्टिस होगी, या आपकी अपनी कोचिंग होगी, या आप किसी बड़े दफ्तर में जाओगे, बड़ी कंपनी में जाओगे, कंपनी सेक्रेटरी होगी, सुबह जल्दी जगोगे, एक्सरसाइज करोगे, जिम जाओगे, उसके बाद प्रोटीन शेक लोगे, लाल टी पियोगे, हरी टी पियोगे, आफ्टरनून में लंच बड़ा सिलेक्टेड करोगे। ये नहीं कि भूख लगी मोमो टक 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 कर लिए, कुछ भी खा लिया नाप शराब, सिलेक्टेड खाओगे, अच्छा खाओगे, फिर शाम को फिर ग्रीन टी पियोगे, फिर आप ऑफिस से वापस चलोगे गाने सुनते हुए, जीने की तमन्ना है मरने का, एंजॉय करोगे, फिर आप घर आओगे, फिर आप बढ़िया सा डिनर करोगे, फिर आप वॉक करोगे गाने सुनते हुए। इसे कहते हैं जीवन, ऐसे जीवन की। और शाम को एक बैग भर के घर लेकर आओगे, किसका? पैसों। यही मुझे पता था तुम यही बोलोगे, फ्रूट्स का नहीं हो सकता क्या? पैसों का बैग भर के घर लेके आओगे, और बस फिर उसके बाद सुबह फिर उठोगे, अपनी पढ़ाई करोगे और अपना काम करोगे। कैसी लाइफ है बताओ, कैसी लाइफ है? ऐसी लाइफ के लिए किसी के घर को भी बाय चांस चले गए तो वो ऐसे खड़ा हो जाए, आओ ना प्लीज आओ, कॉफी पियोगे? नहीं नहीं, आई एम नॉट ड्रिंकिंग कॉफी, मैंने छोड़ रखा है कैफीन, मैं तो बस ग्रीन टी पीता हूँ। ठीक है, तो मतलब आपका एक स्टैंडर्ड होगा, आपका एक स्टेटस होगा। आप अगर किसी फंक्शन में चले जाओगे तो ओडी ले लिया आपने, तो आप बाहर थोड़ी खड़ी करोगे, जहाँ पे खाना चल रहा है वहीं पहुँचा दी सीधी, भैया गोल गप्पे खिलाना, पता कैसे चले आपने गाड़ी खरीदी है? तो इट मीन्स कहीं ना कहीं स्टेटस के लिए, स्टैंडर्ड के लिए इंसान जो है रिस्पेक्ट के लिए जीवन जीता है। अब आपको कई बार लग रहा होगा कि मैम पैसे की बात बहुत कर रही है, मोह माया भैया होनी चाहिए, क्यों? जरा सुनो, इससे भी इज्जत बनती है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, महाभारत का किस्सा है। तो जब पांडव दिल्ली प्रस्थान कर रहे थे तो उन्होंने क्या कहा कि जी हम दिल्ली के अंदर एक भव्य भव्य भवन का निर्माण करेंगे। तो उन्होंने जब ऐसे बोला तो युधिष्ठिर कहने लगे कि नहीं, इससे ना ईर्ष्या का भाव पैदा होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा था कि हम भव्य निर्माण आपको बनाना पड़ेगा। कि क्यों? कि अगर जनता का, अगर अपनी प्रजा का विश्वास जीतना चाहते हो तो भव्य निर्माण होना चाहिए, क्योंकि जनता भी आपके ऊपर तभी विश्वास करती है जब आप कुछ होते हो। आर यू गॉट द पॉइंट? तो अच्छा अच्छा घर, अच्छा घर एक पहली नेसेसिटी होती है, अपना सेटअप होना जरूरी है, क्योंकि इससे आपकी रिस्पेक्ट होती है। क्या होती है? रिस्पेक्ट। बैलेंसिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लाइफ, बैलेंसिंग होना जरूरी है। बैलेंसिंग नहीं होता तो आदमी संतुष्ट नहीं होता, वो डिस्टर्ब रहता है, डिस्ट्रैक्ट रहता है। तो हमें ना जीवन में अगर एंजॉय करना है तो सही समय पे सही काम करना जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट जिसे बोलते हैं। क्या बोला मैंने? टाइम मैनेजमेंट। 3 साल हैं, बस ये 3 साल अपने आप को झोंक दीजिए बच्चों, कुछ सोचिए ही मत कोर्स के अलावा, बस सोच लीजिए 3 साल तक कोई कपड़े मत खरीदना, 3 साल तक नया फोन मत खरीदना, फोन भी ऐसा रखना जिसका स्क्रीन टूटा हुआ हो, नेट पे कैसा हो जिसमें एक फोटो भी ढंग से डाउनलोड ना हो, उसी के साथ घटिया सा फोन रखना। 3 साल तक कोई जरूरत नहीं कपड़े खरीदने की, जो है उन्हें ही खत्म करो, कोई नई चीज जिंदगी में कुछ नया मत करना, क्योंकि कुछ भी नया करोगे डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। जस्ट टू फोकस 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 ओनली योर कोर्स। अगर जुट जाओगे, जम जाओगे, रम जाओगे तो ये कोर्स होगा, अदरवाइज टाटा बाय बाय। बहुत लोग आए और बहुत लोग गए।
क्लियर होगी बात। 3 साल मेहनत करनी है, क्यों? मैंने आपको आपके जीवन दिखा दिया कि अगर मेहनत करोगे तो कैसा जीवन होने वाला है। चलो आओ अब इधर। हमने कहा एज ए शेयर होल्डर जो पैसा है वो हम किसके पास लेके जाएंगे, बताओ जल्दी, कम ऑन फास्ट। पैसा किसको दिया? कंपनी को। अब वो कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। अब मुद्दा ये उठता है यार, ये कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है तो ये तो पैसे को डायरेक्शन नहीं देगी, तो पैसे को डायरेक्शन देने के लिए हमें किसे अपॉइंट करना पड़ेगा? हाँ, नेचुरल पर्सन। उन्हीं को बोलते हैं बस भाई और बहनों डायरेक्टर्स। क्या बोलते हैं? द पर्सन हु गिव द डायरेक्शन टू द कंपनी इज नॉन एज डायरेक्टर। समझ में आ गया? जो डायरेक्शन देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? डायरेक्टर। अकेला है तो डायरेक्टर, और एक से ज्यादा है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्लियर? ऑल क्लियर? अकेला है तो डायरेक्टर, और कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब एक और बात काम की सुनो, अब एक और बात काम की सुनो भैया जी। काम की बात यह है कि ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड, मैंने यहां लिखा भी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर बोर्ड, बोथ आर द सेम मीनिंग। चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो चाहे बोर्ड हो, बोथ आर द, दोनों का सेम मीनिंग है, एक जैसा मीनिंग है। जैसे कि आपने देखा घर में किसी किसी बच्चे का नाम गुड़िया रख देते हैं, गुड्डू रख देते हैं, चुन्नू रख देते हैं, फलाना रख देते हैं। देखा आपने प्यार का नाम लवी रख देते हैं, और बाहर का नाम, जैसे किसी बच्चे का घर का नाम चिंटू है और बाहर का नाम है चौधरी चरण सिंह, तो इसका मतलब वो उसका बाहर के आने जाने का नाम है, चरण सिंह उसका नाम है। इट मीन्स ये उसका बाहर का नाम हो गया, घर का नाम क्या हुआ उसका? चिंटू। तो ऐसे बच्चों के नाम कई बार घर के अलग होते हैं और बाहर के अलग होते हैं। तो अब बात सुनिए, अब मैंने कहा इसी तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के दो नाम है। अगर मैं कंपनी लॉ के अंदर बोलूं बोर्ड तो उसका भी सेम मीनिंग है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलूं तो उसका भी सेम मीनिंग है। क्लियर? ऑल क्लियर? पक्का पक्का? कच्चा कच्चा? अब सुनो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 10। क्या बोला मैंने? सेक्शन 2 क्लॉज 10। कैसे याद करोगे? ऑल डेफिनेशंस आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 2। जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो सारी डेफिनेशन किस में डिफाइन की गई है? सेक्शन नंबर 2 के अंदर। तो अब 10 कैसे याद करेंगे बता सकता है कोई प्राणी? हाँ जी, क्लास के अंदर कोई बच्चा बता सकता है कैसे याद करेंगे? चलो जी बताओ जल्दी से, कौन बच्चा बताएगा? जल्दी बताओ फटाफट से, कैसे याद करेंगे 10 को? मैं बताती हूँ आपको, जब सारे डायरेक्टर एक साथ मिलते हैं तो काम हो जाता है टन टना टन। तो सेक्शन 2 क्लॉज 10, समझ आया? ब्रिलियंट बच्चे को सीएस बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, एवरेज बच्चे को सीएस बनाना बड़ी बात है। बनना आपको है, हमारा काम सिर्फ सिखाना है। तो इट मींस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 10। क्लियर या ऑल क्लियर? पक्का पक्का? चलो जी, चलो जी आगे चलते हैं। एक सेक्शन आएगा पिक्चर में, सेक्शन नंबर 149। सेक्शन 149 से ओनली इंडिविजुअल टू बी अ डायरेक्टर, ओनली अ नेचुरल पर्सन इज एलिजिबल टू बिकम अ डायरेक्टर। हमने कहा क्यों? कि सिर्फ इंडिविजुअल और नेचुरल पर्सन ही क्या बन सकता है? डायरेक्टर। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? कि वजह सिर्फ तुम हो, वजह सिर्फ तुम हो, क्योंकि इनके पास क्या होता है? ब्रेन होता है, और जिसके पास ब्रेन नहीं है वो डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। क्लियर या ऑल क्लियर? पक्का पक्का? अब आगे चलते हैं। अब हमने कहा कंपनी जो है दो हिस्सों में बट गई है भैया। हेलो, कंपनी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कंपनी कितने हिस्सों में बट गई? 2। कैसे कैसे? एक तो वो लोग हैं जो पैसा लेकर आए हैं, सुनना ध्यान से, एक तो वो लोग हैं जो पैसा लेके आए हैं, मतलब जो फंड्स लेके आए हैं, और एक वो लोग हैं जो फंड्स को क्या कर रहे हैं? डायरेक्शन दे रहे हैं। तो जो फंड्स लेकर आए उन्हें बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या बोलते हैं उन्हें? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और जो फंड को मैनेज कर रहे हैं उन्हें क्या बोलते हैं? जो फंड्स लेके आए वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। मैंने कहा चिड़िया उड़, आपने कहा चिड़िया उड़, मैंने कहा तोता उड़, आपने कहा तोता उड़, मैंने कहा भैंस उड़, कह रहे जी मैम उड़, भैंस भी उड़ेगी। ओ भैया, जो पैसे लेके आए उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं बोलते, उनको तो शेयर होल्डर बोलते हैं। हाँ, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने देखा था जानबूझ के क्या बोलोगे। जो पैसा लेके आए उन्हें क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स।
और जो पैसे को डायरेक्शन दे रहे हैं उन्हें क्या बोल रहे हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। समझ आ रही है बात? अब सुनो, मिस्टर ए ने एक्स लिमिटेड में शेयर्स खरीदे और एक्स लिमिटेड को 1.5 लाख रुपए दिए। अब एक्स लिमिटेड की कंपनी सेक्रेटरी, आप अपना अच्छा नाम बताइए। खुशी, आपका, 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 हाँ, क्या समझ नहीं आ रहा? रोशनी, मुझे सुना कोस्टिंग, रोशनी। कितने अच्छे अच्छे नाम रखते हैं पेरेंट्स। खुशी है, खुशी है, प्रियंका है, रोशनी है, भूमिका है, भूमि, ओनली भूमि, नॉट अ का, भूमिका, भूमि, ओके। सो कितने प्यारे प्यारे नाम है। आपका इंग्लिश नाम है क्या? क्या नाम है? प्रांजल, श्रेजल। ओ माय गॉड, कितना अच्छा नाम रखा ना। टीचर कितनी बार लेती थी? अच्छा, आपका मनीषा, मंशा, दोबारा बताओ क्या बोला? समझ नहीं। हाँ तो मंशा ही तो बोल रही हूँ मैं, मंशा देवी। चॉइस, चॉइस बोल सकते हैं। हाँ, आज से आपका नाम चॉइस। हेलो चॉइस, कैसे हो? और सुनिए, छोड़िए, हम हिंदी में आपको इच्छा बोलेंगे, इच्छा। हाँ चलिए, बहुत अच्छा। आपका, अच्छा, हाँ, पद्मश्री, पद्मश्री, बहुत अच्छी बात है। बड़े सुंदर सुंदर, खूबसूरत खूबसूरत नाम बच्चों के रखे हैं, बड़े टेक्निकल, बड़े अच्छे। मंशा है, इच्छा है, पद्माश्री, श्रेया, श्रेया तो थोड़ा हमारे टाइम का नाम है, मेरी फ्रेंड का नाम भी श्रेया था, ये तो बड़ा अच्छा मुझे याद भी है। प्रियंका भी जाना पहचाना नाम है। बहुत टेक्निकल नाम भी रखे थे हैं क्या? नाम ऐसे रखने चाहिए किसी को, मतलब अच्छा है आपका नाम ऐसे, डोंट टेक इट अदरवाइज, बट अ वंडरफुल नेम, बहुत अच्छा नाम है। चलिए खैर, ऐसे आपका भी नाम मुझे बहुत पसंद आया, इच्छा, चॉइस एंड मंशा, है ना, बहुत अच्छी बात है। कितना आजकल नेट के नाम है, ये इंटरनेट के नेम है। आपका ये डेट ऑफ बर्थ क्या है? ईयर 14 तो नहीं, 5 दो, ऑन एन एवरेज आप 2005 के ही होंगे सब, 5, 6, 7, 6 के आसपास के, 7। उस समय इतना ज़्यादा इंटरनेट तो अवेलेबल नहीं था, बट था, नेट तो था, नाम निकलवाने के लिए तो था ही। पहले तो सीरियल्स में जो चल रहा होता था ना, कौन सा सीरियल चलता था उस टाइम, उसका नाम क्या रखा? प्रगति। और आपका भूमि, भूमि, सीरियल देख के, हाँ ऐसे ही नाम रखते थे पहले। मम्मी को सीरियल के अंदर जो किरदार पसंद आ गया, पहले से ही मन में प्लान करती थी, मेरे लड़की होगी तो इसका नाम ये, और लड़का होगा तो इसका नाम ये, ऐसे करके डिसाइड होता है। आज के डेट में तो इंटरनेट से चेक करते हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, सभी बच्चे जो बैठे हैं यहाँ पर लगभग, आपको मैंने नाम नहीं पूछा, आप गलत गलत सेंस में मत लेना, सबका नाम पूछना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए कुछ लोगों का पूछा। तो सुनिए, आप ध्यान दीजिए, एक बात पे ध्यान दीजिए, नाम कभी भी अंग्रेजी नहीं रखना चाहिए, इंग्लिश नेम नहीं रखना चाहिए बच्चों का। क्यों बताइए, क्या कारण है इसके पीछे? इंग्लिश नेम बच्चों का इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि जितने भी पेट एनिमल्स होते हैं उनके सब के नाम इंग्लिश में होते हैं, आप देख लीजिए कभी भी। और पेट एनिमल्स के इंग्लिश नेम इसलिए होते हैं क्योंकि जब हमारे देश को अंग्रेज छोड़ के गए थे तो सबने जो है अपना गुस्सा उतारने के लिए पेट एनिमल्स के नाम इंग्लिश रखे थे। टॉम है, जेरी है, एक्स है, वाई है। आपने कहा हिंदी नेम बहुत कम मिलेंगे, ज़्यादातर आपको इंग्लिश नेम मिलेंगे, है ना, रॉबी है, जितने भी इंग्लिश, ज़्यादातर पेट एनिमल्स के अगर आपने नाम सुने तो वो इंग्लिश में ही होते हैं। उसकी यही वजह है, ये मैंने ढूंढी है, इसीलिए अपने बच्चों का नाम कभी भी ज़्यादा अंग्रेज बनने कोशिश मत करना। मैंने भी अपने बेटे का नाम वैष्णव रखा है ना, तो बेटी नहीं है, बेटा है, तो बेटे का नाम ही वैष्णव रख दिया। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं मुद्दा ये उठता है कि नाम जो है अच्छा सा होना चाहिए,
और बहुत अच्छे लगे आपके नाम सुन के। खैर आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको चीजें समझनी है। एक वो लोग हैं जो पैसा लेकर आए हैं, एक वो लोग हैं जो इस पैसे को डायरेक्शन देने हैं। यहाँ पे हिट करना चाहिए पॉइंट, क्या पैसे का मिसयूज हो सकता है? हो सकता है, बहुत अच्छे। क्या यहाँ पे जो बैलेंस शीट बनाई जाएगी, जो पैसे का हिसाब बनाया जाएगा, जो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे, इज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? और हम कह सकते हैं झूठे झूठे लॉसेस दिखा सकते हैं, ये खर्चे बढ़ा सकते हैं, खर्चे ज्यादा होंगे लॉसेस ज्यादा होगा, प्रॉफिट कम होगा तो डिविडेंड भी कम होगा। क्या इन लोगों के ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर लेना चाहिए? क्या डायरेक्टर्स के ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर लेना चाहिए? आंसर इज नो, क्योंकि पैसा भाई सब हमारा है, इसीलिए डायरेक्टर्स को भी कौन अपॉइंट करते हैं? शेयर होल्डर्स। क्या बोला मैंने, जल्दी बताओ कौन अपॉइंट करते हैं? शेयर होल्डर्स। तो क्या डायरेक्टर्स को हिसाब देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, देना चाहिए। लेकिन हम उनकी बात पे विश्वास कैसे करें? वो तो झूठ बोल सकते हैं, यस और नो? क्या झूठ बोल सकते हैं? मैम यस, झूठ बोल सकते हैं। पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो इसी चीज पर डिपेंड है। आपकी जो यूनिट आने वाली है, जब मैं वो यूनिट स्टार्ट करूंगी, आप बोलोगे मैम इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो सब पढ़ लिया हमने, सब सेट हो गया मैम माइंड में। अब सुनो मेरी बात सुनो, हमने कहा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर हम आंख बंद करके विश्वास, क्या उनकी चेकिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब मैं एक एग्जांपल देती हूं। मान के चलिए आपने टेस्ट दिया, मैंने कहा बेटा एक काम करो, खुद ही चेक कर लो, खुद ही चेक कर लो। सब बच्चे जो है यहां पे आउट ऑफ आउट मार्क्स देंगे, पूरे में से पूरे, एक भी नहीं कटेगा। इसी तरीके से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए, क्या उनकी चेकिंग के लिए हमें जो है कोई प्रोफेशनल अपॉइंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हैविंग एक्सपर्ट नॉलेज इन अकाउंटिंग टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग, क्या ऑडिट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या ऑडिट हमेशा वही लोग करते हैं जो ऑडिटर होते हैं? आंसर इज येस। Chartered accountant is eligible to appoint as a statutory auditor for the auditing of company's financial statement. It means यहाँ पे किसको appoint करना पड़ेगा? CA को as a statutory auditor, as a statutory auditor. अब मुद्दा ये उठता है कि auditor को appoint कौन करेगा? Directors या shareholders? जल्दी बताओ, directors या shareholders? No need to rectification, हर पॉइंट के पीछे लॉजिक है, बस वो समझना है। इट मींस ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स। क्लियर होगी बात? अब चलो सुनो, हमने कहा मिस्टर ए ने 1.5 लाख रुपए कंपनी में लगाए और कंपनी से शेयर खरीदे, और उस कंपनी की कंपनी सेक्रेटरी सपोज भूमि है, भूमि, तो भूमि को उसने पकड़ लिया। भूमि भूमि, इधर सुनो, भूमि शॉपिंग कर रही थी मॉल में। भूमि, मेरे पैसों से तुमने कितने पैसे कमाए, कितने पैसे बचाए, कितने गवाए? ए नॉनसेंस स्टूपिड पर्सन, आई एम अ सेक्रेटरी ऑफ दैट कंपनी, आई डोंट नो, आज के बाद मुझे मत टोकना। अब क्या हुआ कि भूमि ने मॉल चेंज किया, भूमि जो है अब वो गुड़गांव चली गई, गुड़गांव चली गई और एम्बियंस मॉल चली गई, वहां पर बड़ा स्टाइल में शॉपिंग कर रही है। उधर से एक और शेयर होल्डर आया, उसने 1.5 लाख के भी, उसने भी शेयर खरीदे, उसने कहा भूमि 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 जल्दी से बताइए मुझे, आपकी कंपनी ने जिसमें मैंने शेयर खरीद रखे उसने कितने पैसे बचाए, कितने पैसे गवाए और कितने कमाए? भूमि का दिमाग हो गया खराब, ए बेवकूफ इंसान, तूने कल शेयर खरीदे, आज तुझे हिसाब देते? क्या इसके लिए कोई टाइम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? या हर रोज शेयर होल्डर आते रहेंगे कंपनी में, पैसे बचाओ पैसे? ए भैया शेयर होल्डर, तमीज से, तहजीब से, तरीके से, डिसिप्लिन से, नियम से, कंपनी एक्ट ने कहा कंपनी को चलाने के लिए नियम बनाने पड़ेंगे और उन सभी नियम का पालन कंपनी को करना पड़ेगा, और उन नियम की एक्सपर्ट नॉलेज होती है आप जैसे बच्चों के पास, जिसे हम बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरी। अब मुद्दा ये उठता है, तो वो कहते हैं अच्छा भूमि बताओ ना, अब कब आऊं मैं पूछने के लिए? अब वो प्यार से बोल रहा है, एज पर सेक्शन नंबर 96 कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट AGM and it's a mandatory requirement on the part of company to send a notice to all the shareholders at least 21 days before the date of AGM. ye kya tha, tujhe samajh nahi aaya na, to nikal yahan se. ab suno, it means kya hota hai, company ko har saal, ye tha english mein, ab main batati hu hindi mein. acha tumhe english mein jaldi samajh mein aata hai, hindi mein? hindi mein, hindustan ke bacche hain, koi baat nahi. ab kya hota hai ki it is a mandatory requirement on the part of company, matlab ye ek लॉ की रिक्वायरमेंट है कंपनी के ऊपर कि कंपनी को हर साल एक मीटिंग करनी है।
और हर साल जब होगी तो उसे बोलेंगे एनुअल, क्या बोलेंगे एनुअल, और उसमें शेयर होल्डर्स को बुलाया जाएगा, तो इसीलिए उसे क्या बोलते हैं जनरल मीटिंग। क्या बोला मैंने, फिर से बोलो क्या बोला मैंने मैम, हजम नहीं हो रहा मैम। एक बार बताओ, जो डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है उसे बोलते हैं बोर्ड मीटिंग, क्योंकि वो किसकी है, बोर्ड की है। क्या मैं बोर्ड बोल सकती हूँ, क्या मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल सकती हूँ, बोथ आर द सेम मीनिंग। मैम जी मैंने कहा हाँ जी हाँ जी, मैं चैप्टर नहीं पढ़ा रही, मैं पहले से ही बता रही हूँ। मैम जी मैंने कहा हाँ जी हाँ जी, मैम जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है तो मैम उसे तो बोर्ड मीटिंग बोलते हैं, और मैम जी जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है उसको जनरल मीटिंग बोल रहे हैं। डाइजेस्ट नहीं हो रही मैम बात। बेटा जी सुनो, जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है उसे जनरल मीटिंग इसलिए बोलते हैं, शेयर होल्डर मीटिंग इसलिए नहीं बोलते कि शेयर होल्डर अगर खुद जिंदा है तो वो खुद आएगा, वो इस दुनिया में नहीं रहा तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया तो ऑफिशियल असाइनी आएगा, ऑडिटर को बुलाया जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुलाया जाएगा, वहां सब लोग इकट्ठे होते हैं, क्योंकि जवाब किससे मांगेंगे। तो इसीलिए खाली वहां पे शेयर होल्डर्स नहीं होते, वहां सभी लोग होते हैं, तो इसीलिए क्या बोला जाता है उसे जनरल मीटिंग, और हर साल करना बेहद जरूरी। हाँ इसीलिए क्या बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। क्या बोला मैंने, एनुअल जनरल मीटिंग। क्लियर या ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। क्वेश्चन नंबर वन, मैम जी एक बार बताओ, तो क्या उसी मीटिंग में हमें पता चलेगा, हाँ जी क्या मैम उसी मीटिंग में हमें पता चलेगा, क्या उसी मीटिंग में जो मीटिंग होगी मैम जी, क्या उसी मीटिंग में हमें पता चलेगा क्या कि हमारे कंपनी ने कितना पैसा कमाया बचाया गवाया, क्या उसी मीटिंग में पता चलेगा। अब सुनो, अब जरा यहाँ पे एक रेंडम सिचुएशन बनाते हैं, आप सब शेयर होल्डर हो कंपनी के, हमने कहा कल एजीएम है, या आपको पहले से बता दिया, या आपको हैंड टू हैंड बताया फोन करके, सभी शेयर होल्डर्स को कॉल मिलाओ, हाँ जी शेयर होल्डर कि हाँ जी कल मीटिंग में आना है, आ जाओगे कि हाँ आ जाएंगे, थप्पड़ खाएंगे। एक दिन पहले कोई मीटिंग के लिए बताता है क्या, क्या पहले से इंटीमेशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कंपनी लॉ के अंदर ये बात लिखी हुई है। अगर ये पॉइंट नहीं लिखा होता तो सब डायरेक्टर्स यही चाहते कि शेयर होल्डर्स मीटिंग में आए ना, क्योंकि ना वो आएंगे ना वो कुछ पूछेंगे, यस और नो। तो यहाँ पे कंपनी क्या चलाकी करती बताओ, एक दिन पहले बताते। और पता है मीटिंग कहाँ अरेंज करते, कि गाजीपुर देखा है कि हाँ देखा है, कि उसमें जो कूड़े का ढेर है ना उसके ऊपर वाली चोटी में बैठ के मीटिंग करेंगे, कोई आएगा ही नहीं, है ना। और कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है, कि वी आर प्लान टू कंडक्ट एनुअल जनरल मीटिंग इन अ कालापानी। अब जाओ कालापानी कौन जाएगा, कालापानी जानते हो कहाँ पे, कुछ जानते भी हो कालापानी, अंडमान निकोबार। कितने लोग घूमने जाते हैं वहां पे स्कूबा डाइविंग करने, खैर छोड़िए आइए वापस आइए। अब मुद्दा ये उठता है, इसका मतलब क्या कोई ऐसा नियम होना चाहिए, क्या कोई कंपनी लॉ के अंदर ऐसा प्रोविजन होना चाहिए जो ये डिफाइन करे कि मीटिंग कहाँ पर होगी, मीटिंग कब होगी, मीटिंग कैसे होगी, मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन होगा, और मीटिंग का नोटिस कम से कम कितने दिन पहले जाएगा। कंपनी लॉ के तहत, अभी मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, कंपनी लॉ के तहत सेक्शन नंबर 101 कहता है एटलीस्ट 21 डेज प्रायर टू द मीटिंग आपको सभी शेयर होल्डर्स को नोटिस देना पड़ेगा। तो शेयर होल्डर्स को बोला जाता है चलो बुलावा आया है और कंपनी ने बुलाया है। अब मुझे एक बात बताओ, कंपनी में शेयर होल्डर्स को क्यों बुलाया जा रहा है, उन्हें हिसाब दिया जा रहा है, सिंपल भाषा में अगर समझे, और वो हिसाब जो है ना, वो जो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किया है उसको तुम्हें अडॉप्ट करना है। अगर तुम बोलोगे यस इट इज राइट तो वो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो वहीं के वहीं स्टॉप हो जाएंगे। अब ये बताइए, क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके पास पहले से ही पहुंचने चाहिए, नहीं पहुंचने चाहिए, ताकि आप उन्हें पढ़ सको, रीड कर सको और प्लान कर सको। तो इसीलिए नोटिस के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी भेजे जाते हैं, किसको, शेयर होल्डर्स को, वो भी कितने दिन पहले, 21 डेज पहले। सेक्शन यहाँ पे बहुत ज्यादा इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि एग्जी में आपको सब कुछ पढ़ना है। तो अब एक बात तो साफ हो गई है कि ये जो जनरल मीटिंग होती है इसका एक नोटिस जाता है। अब भूमि को कोई भी बोलेगा भूमि मेरे पैसे को क्या हुआ, तो क्या बोलेगी भूमि, एज पर सेक्शन नंबर 96 मीटिंग होगी ना एजीएम, उसमें आना, उसका नोटिस जाएगा 21 दिन पहले, उससे पहले अगर तुम मुझे मिले गोली मार दूंगी। अच्छा जी, अब सुनिए ध्यान दीजिए, इट मींस मुद्दा ये उठाएगी, जनरल मीटिंग जो होगी
अब उस जनरल मीटिंग में क्या क्या आम बातें पूछनी चाहिए। रोज रोज तो जनरल मीटिंग नहीं हो सकती, जनरल मीटिंग साल में एक बार हो रही है और जरूरत पड़ने पे आगे भी होगी, वो मैं आगे बताऊंगी। पर अभी क्या इस जनरल मीटिंग में पहला काम हमें ये करना चाहिए, पहला काम ये करना चाहिए कि भैया कि भैया कि भैया हमारी जो कंपनी है उस कंपनी के अंदर ऑडिटर कौन बनेगा? तो बताइए स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट कौन करेगा? कम ऑन फास्ट, शेयर होल्डर्स। इट मींस अपॉइंट कौन करेगा? शेयर होल्डर्स। एक बात हो गई। अब देखिए यहां पे अपॉइंट होगा कौन? ऑडिटर। दूसरा पॉइंट, हम कंपनी में पैसे लगाए हैं तो हमें कंपनी में हिसाब मिलना चाहिए कि कंपनी ने क्या कमाया, क्या बचाया और क्या गवाया। तो ये जो अकाउंट्स है ना, इनको अडॉप्ट करना होता है। क्या करना होता है जरा बताना? अकाउंट्स को क्या होना होता है? अडॉप्ट करना होता है। उसी के साथ और क्या अपॉइंट करोगे? डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होगा और क्या होगा? डिविडेंड का डिक्लेरेशन होगा। क्या बताया मैंने? डिविडेंड का, फिर से बताओ, डिविडेंड का डिक्लेरेशन होगा, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होगा, एडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स होंगे। क्लियर या ऑल क्लियर? हम बोल सकते हैं अड्डा, ए डबल डी और ए, यहीं से बेस बना के चलना है, यहीं से बेस बना के चलना है कंपनी लॉ का। हमने क्या बोला? ए डबल डी ए, ए फॉर एडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स, डी फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डी फॉर डायरेक्टर अपॉइंटमेंट, ए फॉर ऑडिटर अपॉइंटमेंट। याद हो गया? पक्का पक्का कच्चा कच्चा, पक्का पक्का कच्चा कच्चा। ओके, इट मींस यहां पे चार काम होंगे जिसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? ए डबल डी ए। अड्डा में क्या क्या होगा एक बार फिर से बताते हैं। एडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डायरेक्टर अपॉइंटमेंट, ऑडिटर अपॉइंटमेंट। ये चार काम ऐसे हैं, क्रक्स में लिखा हुआ है, चार काम ऐसे हैं जो हर साल होने ही होने हैं। क्या बोला मैंने? ये चार काम ऐसे हैं जो हर साल होने ही होने हैं। तो इसे बोलते हैं ए डबल डी ए। अब मेरी बात सुनना, अब मेरी बात सुनना बच्चों, अब मेरी बात सुनना। दो तरीके के बिजनेस होते हैं, दो तरीके के बिजनेस होते हैं। क्या क्या लिखा है जरा देखना इस पे। हाँ जी बच्चों बताइए, बिजनेस कितने तरीके के होते हैं? दो। वन इज अ ऑर्डिनरी, सेकंड वन इज अ स्पेशल। तो अब ऑर्डिनरी बिजनेस जो है, अड्डा इज इक्वल्स टू क्या लिखा है जरा देखना इसमें। अड्डा इज इक्वल्स टू ऑर्डिनरी और अदर देन अड्डा इज इक्वल्स टू स्पेशल। बहुत अच्छे। इट मीन्स हम कह सकते हैं अड्डा को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी। अदर देन अड्डा स्पेशल। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और अब हम यहाँ पे जो है मीटिंग्स पढ़ेंगे, मीटिंग्स पढ़ेंगे। दो तरीके की मीटिंग होती है, एक होती है एजीएम। एजीएम की फुल फॉर्म क्या है? एनुअल जनरल मीटिंग। और एक होती है ईजीएम। ईजीएम की फुल फॉर्म क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। क्या बोला मैंने? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो वो क्या हो गई हमारी? ईजीएम। फिर से, एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग, ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब यहाँ पे बेटा बहुत ही ध्यान से सारे बच्चे सुनना, जो हमारी एजीएम होती है उसमें ऑर्डिनरी बिजनेस तो डिस्कस होते ही होते हैं, वो तो हर साल होने हैं, वो चार काम तो हर साल होने हैं। अगर कोई पांचवा काम करना है चार को छोड़ के, तो वो बिजनेस कैसा होगा? स्पेशल। कैसा वर्क होगा बताना जरा? स्पेशल। तो एजीएम के अंदर दोनों बिजनेस डिस्कस हो सकते हैं, कौन कौन से जरा बताना? एक तो ऑर्डिनरी बिजनेस तो हर साल होने ही होने हैं, यस और नो?
जनरली ऑर्डिनरी बिजनेस तो हमारे हर साल होंगे ही होंगे, लेकिन अगर हम बोलें ऑर्डिनरी के अलावा जो है अदर देन अड्डा क्या होते हैं, स्पेशल बिजनेस। अगर कोई पांचवा काम भी हम करना चाहते हैं, अगर मैंने क्या बोला, अगर कोई पांचवा काम भी हम करना चाहते हैं, क्या पांचवा भी कर सकते हैं? यस। वो कहाँ पे हो सकता है? एजीएम। कहाँ पे हो सकता है? एजीएम में। इसका मतलब हम कह सकते हैं एजीएम में ऑर्डिनरी बिजनेस भी होते हैं। ऑर्डिनरी बोले तो अड्डा बोल सकती हूँ मैं, और साथ में और क्या डिस्कस होते हैं? स्पेशल बिजनेस। लेकिन मेरी बात सुनो, अगर एजीएम खत्म हो चुकी है और हमें कोई पांचवा काम करना है जो शेयर होल्डर की मर्जी से ही होगा, शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तो क्या उसके लिए मीटिंग करनी पड़ेगी? यस और नो? क्योंकि एजीएम तो हर साल होती है और बीच में हमें कोई इंपॉर्टेंट काम करना है तो मीटिंग तो हमें करनी पड़ेगी, और जो मीटिंग हम करेंगे वो स्पेशल बिजनेस के लिए करेंगे। तो जब स्पेशल बिजनेस के लिए हम करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? EGM, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। क्या बोला फिर से बताइए? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। क्लियर या ऑल क्लियर? अच्छा, अब सोच के बताना, और धीरे धीरे अब मैं तुम्हारा माइंड टेस्ट करूंगी। नींद आ रही बेटा? नींद? हाँ, सोते सोते बेटा खा ले मूँगफली। मूँगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं, नाना गए दिल्ली वहाँ से लाए दो बिल्ली, एक बिल्ली कानी। आगे कुछ नहीं बोला, आओ तो जल्दी बताइए। हमने कहा हम जो है जनरल मीटिंग में किस तरीके का काम करेंगे? ए डबल डी ए, और साथ में कर सकते हैं स्पेशल बिजनेस। लेकिन अगर कोई स्पेशल बिजनेस बाद में आए तो क्या कंडक्ट करनी पड़ेगी? क्लियर या ऑल क्लियर? सेट हो गए माइंड में? इधर सब सेट है, बहुत अच्छे। अब सुनो, जब ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कस करना होता है मीटिंग में तो वहां अप्रूवल लेनी पड़ती है किसकी? किसकी? शेयर होल्डर्स की। तो वो क्या बोला जाता है कि आपको जो है जितने भी शेयर होल्डर्स अवेलेबल हैं प्रेजेंट है, जो वोट कास्ट कर रहे हैं, उसमें से 51% या उससे ज्यादा फेवर में होने चाहिए, तभी जाके हमारा रिजोल्यूशन पास होता है, मतलब अप्रूवल होती है। तो मैं कह सकती हूँ अप्रूवल लेने के दो तरीके होते हैं। अप्रूवल लेने के दो तरीके के होते हैं, वो क्या क्या मैं बताती हूँ आपको। एक होता है बच्चों ओआर और एक होता है बच्चों एसआर। बताओ जल्दी से, अप्रूवल लेने के कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं, एक है बच्चों ओआर और एक है बच्चों एसआर। फिर से बताइए जल्दी से, वन इज अ ओआर, सेकंड वन इज अ, आवाज नहीं है जोर से बोलिए, वन इज अ ओआर, सेकंड वन इज अ एसआर। ओआर का मतलब 51% और मोर फेवर में, एसआर 3 times फेवर में चाहिए। आगे चल के हम पढ़ेंगे, अभी हमारी सिर्फ बेसिक क्लास चल रही है। अब मुझे एक बात बताइए कि अब ये कैसे पता चले कि कब ओआर चाहिए और कब एसआर? मुझे लगता है जिंदगी की आपकी पहली क्लास होगी जो इतनी देर की हो चुकी है, शायद आपकी पहली क्लास होगी। आप पहले कितने घंटे पढ़ते थे? वन शॉट क्लास कितनी देर की चली है आपकी? हाँ जी, कितने? 3 घंटे डेली, एक क्लास किस सब्जेक्ट की? अच्छा, वो तो अलग अलग चलती होंगी ना, मैं कह रही हूं एक ही क्लास, एक ही टीचर, 3 घंटे। बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आपको आदत है, 3-3 घंटे पढ़ने की तो आदत होगी, 4-4, 5-5, 6-6, चलो बहुत अच्छी बात है। अब सुनिए, इसका मतलब आप बहुत परिपक्व हो, मेच्योर हो। तो अब मेरी बात सुनना, हमने कहा ओआर कब चाहिए ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए और एसआर कब चाहिए स्पेशल बिजनेस के लिए। बात पकड़ ली आपने? ओआर चाहिए किसके लिए? ऑर्डिनरी बिजनेस, और एसआर किसके लिए चाहिए? स्पेशल बिजनेस। ये जनरल रूल है, लेकिन इसका उल्टा कभी कभी ऐसा हो जाता है एक्सेप्शनली। अब एक और बात सुनो, अब आप जब कंपनी सेक्रेटरी बनोगे और कंपनी लॉ के अंदर कोई काम करना होगा कि ये तो ओआर पास करना है या एसआर, तो सेक्शन के अंदर लिखा होता है कि ओआर पास होगा या फिर एसआर पास होगा, मतलब ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना है या फिर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है, दैट इज टू बी क्लियरली मेंशन इन द सेक्शन, ठीक है। बट मैं आपको नियम सिखा रही हूँ, जनरली क्या होता है ओआर, और एक्सेप्शनली क्या, सॉरी, जनरल नियम क्या है ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए ओआर और स्पेशल बिजनेस के लिए एसआर, बट इन सम एक्सेप्शनल सिचुएशन। बस थोड़ी देर और उसके बाद आपका सेशन नहीं लूंगी, आप सभी को बता रही हूँ मैं, टेक इट ईजी, उन्हें मत देखो, वो तो पढ़ रहे हैं। मैं सबके लिए बोल रही हूँ, सब बस हर चीज़ दूसरे पे डालना चाहता है,
हाँ ये नियम है ये जीवन का, जैसे किसी बच्चे के नंबर कम आ जाए उसकी दुख भरी दास्ता सुनना, पढ़ने में बहुत होशियार थी मैं, किसी से पूछना कभी जैसे कोई आए, पढ़ने में बहुत होशियार था मैं लेकिन पढ़ नहीं पाया, क्योंकि घर की स्थिति सही नहीं थी, क्योंकि ये नहीं था, क्योंकि वो नहीं था, एक्सक्यूज की एक लंबी लिस्ट मिलेगी। आज मैं जो भी हूं या मैं जो भी नहीं हूं उसकी वजह सिर्फ हम खुद हैं, ये ध्यान रखना। आप अगर जिंदगी में सीएस बनोगे या सीएस नहीं बनोगे इसकी वजह सिर्फ तुम हो। इन फ्यूचर अगर भविष्य में आप सीएस बन जाते हो इसका पूरा क्रेडिट आपका है, क्योंकि मेरा काम पढ़ाना है बस, मैं सबको एक जैसा ही पढ़ाती हूँ, उसमें से कुछ बच्चे पास भी होते हैं तो कुछ बच्चे फेल भी होते हैं, उसका डायरेक्ट क्रेडिट गोज टू द स्टूडेंट। एक और आजकल चीज़ें चलती हैं, मैम प्लीज़ हमें ना कोई शेड्यूल बताइए, मतलब शेड्यूल पूछ रहे हैं पढ़ने का, पढ़ने का शेड्यूल, समझ रहे हो क्या पूछ रहे हैं? अब शेड्यूल कैसे बनाएंगे जी? मैम आई वर्क अप अर्ली इन द 4:30 AM, आई स्टडी 2 hours इकोनॉमिक्स, देन अकाउंट्स, देन फ्ला, देन डिका, देन टेकिंग अ रेस्ट ऑफ 30 मिनट, देन टेकिंग अ ब्रेकफास्ट, देन टेकिंग अ नैप 30 मिनट, देन टेकिंग फलाना, देन टिकाना। भाई साहब आप इस कोर्स में शेड्यूल बना ही नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना ही है। जब आपको लगे आपकी कमर जवाब दे रही है, आपका दिमाग थका थका लग रहा है, ब्रेक ले लो। आप कोई अच्छा टॉपिक पढ़ रहे हो और आपको भूख लग रही है, पढ़ते पढ़ते खा लो, उसके लिए आधा घंटा खराब करने की जरूरत क्या है? शेड्यूल बना रहे हैं जी 2 घंटे घूमने के क्योंकि दिमाग थक गया। जरूरी है आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसमें आपका दिमाग थका ही ना हो तो किस बात का ब्रेक है? यहां पर कोई नियम नहीं है कि इतने घंटे या उतने घंटे, यहां पढ़ना ही पढ़ना है। जब बॉडी रिस्पॉन्स ना करे, ह्यूमन बींग होता है, व्यक्ति का नेचर होता है कि थकान हो जाती है, सिंपल सी बात है, तो टेक रेस्ट, टेक ब्रेक, देन स्टार्ट स्टडी। अगर इस पॉलिसी पे काम करते हो तो कामयाब हो जाओगे। और अगर वो सिस्टम बनाओगे ना, सिस्टमेटिक सिस्टमेटिक, 30 मिनट्स ब्रेकफास्ट, 40 मिनट्स लंच एंड फलाना ढिकाना, वो बकवास है। जब तक पढ़ो जब तक पढ़ा जाए, जब नहीं पढ़ा जाए टेक इट ब्रेक। नींद आ रही है दिन में, पढ़ते पढ़ते नींद आई, सो जाओ 1 घंटा, दिमाग थक गया, सो जाओ, रेस्ट कर लो, दैट्स इट। इसके अलावा सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है। और पता है इतना काम कौन कर सकता है? इतना काम सिर्फ वही इंसान कर सकता है जो अपने काम से प्रेम करता है, जो अपने काम से प्यार करता है, चाहे मैं टीचर हूं चाहे आप स्टूडेंट। और प्यार हमें जब होता है किसी काम से, जब हमें कुछ दिखता है, जब हमें कुछ मिलता है, जब हमें कुछ रिवार्ड मिलता है। बचपन में आपकी मैम आपको स्टार देती थी, ऐसा लगता सच्ची का स्टार दे दिया जमीन में, आसमान में से तोड़ के स्टार दे दिया मैम ने। वो स्टार की कीमत कितनी थी, वो मोटिवेशन था। फेयर दे दिया, भाई सब फेयर पे ही लड़ रहे हैं, तेरी कॉपी में कितने फेयर? 3, मेरी में पता है 20 फेयर है। वेरी गुड, अगर एक बार मैम ने वेरी गुड बोल दिया ना मुंह से, एक बार मैम ने अगर एक बार गुड बोल दिया, ऐसा मन करता है जाके उनके प्यार कर आए, गुड दे दिया हमें, यस और नो? तो इट मीन्स वो मोटिवेशन था। तो हमें ना यहाँ पे आपको जो है ये नहीं सोचना कि कितनी देर पढ़ना है, पढ़ना और सिर्फ पढ़ना है। जब थकान हो तब सो जाओ, जब मन करे तब सो जाओ, नहीं तो सिर्फ पढ़ना है। गॉट द पॉइंट एवरीबडी? आर यू रेडी फॉर दैट? तो सुनिए, ध्यान दीजिए। अब जो है मैं आपको आगे लेके चल रही हूँ। तो हमने कहा जो बिजनेस है वो 2 तरीके के होते हैं, 1 is a ordinary and 2nd is a special। ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, स्पेशल बिजनेस के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन, ठीक है? और लास्ट चीज लेते हुए आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, ये बताइए क्या AGM में OR पास हो सकता है? दिखेगा नहीं आपको अब। क्या AGM में OR पास हो सकता है? क्या AGM में SR पास हो सकता है? क्या EGM में OR पास हो सकता है? बस फंस गया ही। मैंने कहा था जनरली और एक्सेप्शनली क्या था, और स्पेशल बिजनेस के लिए क्या हो सकता है? OR। EGM में कौन से बिजनेस डिस्कस होते हैं? स्पेशल। तो OR भी हो सकता है और SR भी। क्यों? जनरली अगर कभी स्थिति ऐसी आई कि बिजनेस स्पेशल रिजोल्यूशन ऑर्डिनरी, तो कौन सा रिजोल्यूशन पास करोगे? जल्दी बताओ, यस जल्दी बताइए फटाफट से, तो कौन सा रिजोल्यूशन पास करोगे? कमऑन, OR। इट मींस नियम क्या कहता है? नियम बताइए क्या कहता है? कि जो हमारे AGM है उसमें भी OR SR हो सकते हैं। क्यों हो सकता है? ऑर्डिनरी बिजनेस ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, स्पेशल बिजनेस स्पेशल रिजोल्यूशन। लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे हो सकते हैं जो है तो स्पेशल लेकिन रिजोल्यूशन क्या पास करना है? ऑर्डिनरी। तो EGM में बिजनेस कैसे डिस्कस होंगे? सिर्फ स्पेशल। ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कस
नहीं होंगे, लेकिन रिजोल्यूशन कौन सा हो सकता है? एस आर भी हो सकता है और ओ आर भी हो सकता है। समझ आया? रिवाइज करा दूं फटाफट? चलिए जी, अच्छा तो अब हम चलते हैं। चलो जी, चलो जी, आओ आ जाइए बच्चों। यस, कंपनी में फंड कितने तरीके से रेज करते हैं? देयर आर टू वेज, वन इज ऑनर फंड, सेकंड वन इज अ बोरोड फंड। ऑनर्स फंड इज इक्वल्स टू शेयर होल्डर्स। क्या शेयर होल्डर इंटरेस्ट लेते हैं? क्या शेयर होल्डर्स डिविडेंड लेते हैं? क्या शेयर होल्डर्स को पेशेंस होल्डर बोल सकते हैं? क्या शेयर होल्डर्स एजीएम में पार्टिसिपेट करते हैं? क्या शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं? क्या डिबेंचर होल्डर्स बोरोड फंड में आते हैं? बोलो यस। चिड़िया उड़ खेल रहे हैं हम यहाँ पे अब, ठीक है। और अगर तुमने आज बहस उड़ाई पिटोगे हैं। सुनो अब देखिए इधर, क्या बोरोड फंड में डिबेंचर होल्डर्स आते हैं? क्या डिबेंचर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं? क्या वो एजीएम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? ये उड़ाई भैंस, ये उड़ाई, मारिए इसको दो चार्टे, इसने भैंस उड़ाई। चलिए आइए वापस फिर दोबारा से, बिल्कुल माइंड को कंसंट्रेट करना है और रिप्लाई करना है। ओके, फिर से स्टार्ट करते हैं गेम को, क्योंकि अभी तो सब पिटने ही पिटने का काम कर रहे हैं। देखिए जल्दी से, कम ऑन फास्ट। ओके, क्या ऑनर्स फंड में शेयर होल्डर्स आते हैं? क्या उनके पास वोटिंग राइट होता है? क्या उन्हें इंटरेस्ट मिलता है? क्या उन्हें डिविडेंड मिलता है? क्या डिबेंचर बोरोड फंड में आते हैं? क्या डिबेंचर्स का रिडेम्पशन होता है? क्या उन्हें इंटरेस्ट मिलता है? क्या बैंक लोन हमारे बोरोड फंड में है? क्या उन्हें इंटरेस्ट मिलता है? क्या उन्हें डिविडेंड मिलता है? क्या उनका रीपेमेंट होता है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए ध्यान से, जो पैसा लेके आते हैं क्या उसे हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं? इस पैसे को जो डायरेक्शन देते हैं उन्हें बीओडी बोलते हैं। क्या उन्हें खाली डायरेक्टर बोल सकते हैं? अकेला है तो, और कलेक्टिव बॉडी है तो, इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 10। 10 कैसे याद किया? काम क्या हो जाएगा? टर्न। जब सारे डायरेक्टर इकट्ठे होंगे तो काम क्या हो जाएगा? तो सेक्शन 2 क्लॉज, कंपनीज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज, कैसे याद किया? 02, तो 20। उसी के साथ साथ क्या डायरेक्टर के पास ब्रेन होना जरूरी है? क्या एक नेचुरल पर्सन ही डायरेक्टर हो सकता है? ओके, क्या डायरेक्टर के पास राइट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का? क्या आंख बंद करके विश्वास कर लें? क्या वो ईमानदार हैं? क्या वो फ्रॉड कर सकते हैं? क्या वो फॉल्सिफिकेशन कर सकते हैं? क्या वो विंडो ड्रेसिंग कर सकते हैं? क्या हमें ऑडिटर अपॉइंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्या ऑडिटर को डायरेक्टर अपॉइंट करता है? क्या शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं? क्या उसे स्टैचुटरी ऑडिटर बोलते हैं? क्या वो सीए होते हैं? क्या एजीएम होती है? क्या एजीएम में चार काम डिस्कस होते हैं? क्या उन्हें ऑर्डिनरी बिजनेस बोलते हैं? क्या क्रक्स में अड्डा बोल सकते हैं? क्या अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स होता है? क्या डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड होता है? क्या डायरेक्टर अपॉइंटमेंट होता है? क्या ऑडिटर अपॉइंटमेंट होता है? क्या बिजनेस दो तरीके के होते हैं, ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए कौन सा रिजोल्यूशन? ऑर्डिनरी। स्पेशल बिजनेस के लिए? क्या मीटिंग दो तरीके की होती है? क्या हर साल एजीएम होती है? क्या एजीएम के साथ एजीएम कर सकते हैं? क्या एजीएम में दोनों तरीके के बिजनेस डिस्कस होते हैं, ऑर्डिनरी और स्पेशल? क्या एजीएम में खाली स्पेशल बिजनेस डिस्कस होते हैं? यस। क्या एजीएम में एसआर पास कर सकते हैं? क्या ओआर पास कर सकते हैं? क्या एजीएम में एसआर पास कर सकते हैं? क्या ओआर पास कर सकते हैं? क्या ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कस कर सकते हैं? क्या स्पेशल बिजनेस डिस्कस कर सकते हैं? क्या ईजीएम में ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कस कर सकते हैं? हाँ, किसने बोला? डंडा लाओ, भैंस उड़ाई रे भैया रे आपने। इट मींस ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अभी आपका ब्रेक है, उसके बाद नेक्स्ट सेशन है।